बुराड़ी विधानसभा के नथुपुरा डी ब्लॉक की गलियां पूरी तरीके से बदहाल हो चुकी हैं। डी ब्लॉक में पहले तो गलियां और नालियों का निर्माण सही ढंग से नहीं करवाया गया, ऊपर से अब नालियों की सफाई नहीं होती जो बिल्कुल बंद पड़ी है। घरों का गंदा पानी खाली प्लॉटों में इकट्ठा होकर काफी बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। यहाँ की नालियों के ढलान नहीं है, नालियों में पानी नहीं जा रहा, बाहर बह रहा है, बच्चे खेल नहीं सकते बाहर और ना हम निकल सकते। हमारे घर के आगे इतनी गंदगी है, देखो भैंस सबके आगे है लेकिन किसी के दरवाजे पे इतना गंद नहीं है जितना मेरे दरवाजे पे। ऐसा मेरे दरवाजे पे क्यों है? मैंने ऐसा किसी के साथ इतना बुरा क्यों करा है? मैं बोलती हूँ तो बोलने के लिए मेरे को बोलते जाओ, जो करना है वो कर लेना, जो देखा होगा देख लेंगे हम, खाली 10,000 रुपए भरने हमें और कुछ नहीं होने वाला। इसलिए मैं चुप रहती हूँ। मैंने चलो कोई नहीं, 2 साल से बरत रही हूँ लेकिन 2 साल से मैंने कुछ भी नहीं बोला, लेकिन अब मुझे दिक्कत हो रही है इस चीज के लिए। मेरे घर के आगे गंदगी है, मुझे इस चीज का दुख है। हमने कंप्लेंट दी है लेकिन देखो कूलर का चलान कर जाते हैं, वैसा गमले का चलान कर जाते हैं लेकिन इस चीज का क्यों नहीं चलान करते हैं? इस चीज के लिए बोलना चाहिए ना। पानी भी गंदा आता है, पानी भी साफ नहीं आता है यहाँ पे। बताओ, हम पानी की बोतलें लेते हैं, 2-2 बोतलें लेनी पड़ती है हमें। नहीं नहीं है, सबने चक्के जाम करे हुए हैं नालियों के, अच्छी तरह से जाम हुई हुई है नाली। नालियों में किसी ने पानी वो लगाई हुई है ईटे, किसी ने मट्टी डाल के रोका लगाया हुआ है, कोई आगे पानी नहीं जाने देता। बताते भैंस वाले गलती, लेकिन जब पानी आगे नहीं जाएगा तो गलती की। महिलाओं व स्थानीय लोगों ने इकट्ठे होकर स्थानीय विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा कि विधायक साहब ने ना तो सभी गलियां बनाई और जो बनाई है वह अभी से टूटनी शुरू हो गई है और नालियों पर लेबर भी सही नहीं बनाया। साथ ही यहां पर दिल्ली नगर निगम भी जिम्मेदार है। भैया ये समस्या है कि यहाँ पे नालियाँ बंद कर रखी है सबने और नाली की वजह से खाली प्लॉटों में पानी छोड़ रखा है और खाली प्लॉटों में पानी छोड़ने से सड़कों में मर रहा है, तो वो सड़कें दब रही हैं और ना इन सड़कों पे रोड रोलर चला है। काम किया है पर सही तरीके से काम नहीं हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पर लोग वहाँ कूड़ा भी इधर उधर फेंकते हैं, जब कूड़े की गाड़ी नहीं आती तो MCD वालों को कूड़े की गाड़ी भी लानी चाहिए, उसी तरीके से हमारी वो सुविधाएं होंगी। गए हैं पर कोई समस्या हल नहीं हुई हमारी। मिले नहीं आपको? क्योंकि नालियों की सफाई करना दिल्ली नगर निगम की जिम्मेदारी है। दिल्ली सरकार ने नालियां सही नहीं बनाई तो दिल्ली नगर निगम ने नालियों की सफाई नहीं की और आखिर में इन दोनों की कमी का खामियाजा स्थानीय निवासी भुगत रहे हैं। पानी नहीं जाता है यहाँ पे, इतनी गंदगी रखते हैं यहाँ पे, बोलते तो और लड़ने के लिए आते हैं, मारने के लिए चढ़ जाते हैं और यहाँ पे नाले नहीं बनाए गए, पानी आगे नहीं जाता है। कितने दिनों से दिक्कतें हो रही है? ये 2 साल हो गए सर। आप स्थानीय विधायक संजीव झा से कभी मिले हैं? जी गए हैं लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की है। कोई सुनते नहीं है? नहीं, कोई नहीं जी, कुछ नहीं किया। उस समय बोला विधायक को कि यहां गलियों का जी सब बोला हुआ बोलते और आगे बोलते थे कि आगे करवाओ इसे। इसी कारण स्थानीय निवासियों ने बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर विरोध प्रदर्शन किया। इन लोगों का कहना है कि जनप्रतिनिधियों की वजह से वे नरकीय जीवन जीने को मजबूर है और आने वाले चुनाव में वोट की चोट से बदला लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, AA News।